हेलो फ्रेंड, आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे आईसी के बारे में। आईसी जो होता है वो इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, जो बोर्ड के अंदर लगा होता है। लैपटॉप, डेस्कटॉप, एसएमपीएस, यूपीएस, मोबाइल, इन सब के अंदर लगा होता है। तो आईसी को आज हम बात करेंगे कि आईसी को कैसे कंफर्म करेंगे कि आईसी सही है या खराब है। हमारे पास बहुत सारे आईसी यहाँ पर दिख रहे हैं, जो हमारा लैपटॉप का बोर्ड है, इसमें बहुत सारा आईसी चिप लगा हुआ है। तो ये आईसी, ये चिप है, इसको भी चिप बोलते हैं, ये भी आईसी हो गया, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे लगा हुआ है, इस बोर्ड में भी लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है, ये सब चिप आईसी होता है। इंटीग्रेटेड सर्किट, इसका आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, और कुछ यहाँ निकला हुआ है, ठीक है। तो आईसी जो होता है वो आईसी कि टेस्टिंग हम कैसे करेंगे, कैसे कंफर्म करेंगे कि आईसी हमारा सही है या खराब है, ठीक है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और लाइक करना मत भूलें, ओके। तो स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले जो है आईसी को हम कैसे कंफर्म करेंगे कि ये सही है या खराब है। तो आईसी को चेक करने के लिए चार कंडीशन है, उससे हम कंफर्म कर सकते हैं कि आईसी हमारा सही है या खराब है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि आईसी जो होता है, आईसी को हम चिप भी बोलते हैं, आईसी को चिप भी बोलते हैं, आईसी ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है। आईसी की जो टेस्टिंग है उसमें जो है शॉर्टिंग कंडीशन, लीकेज कंडीशन, हीटिंग कंडीशन और इनपुट एंड आउटपुट सप्लाई कंडीशन, ये चार कंडीशन से हम कंफर्म कर सकते हैं कि जो हमारा आईसी है वो सही है या खराब है, ठीक है। पहला कंडीशन शॉर्टिंग। शॉर्टिंग हम कैसे कंफर्म करेंगे कि ये आईसी हमारा शॉर्ट है या नहीं है। अगर कोई भी आईसी उसका 50% से ज़्यादा पिन अगर आपस में बीप करता है, 50% से ज़्यादा पिन, जैसे कि आईसी ये पिन है, ये 8 पिन का आईसी है, तो अब इसमें 8 पिन का आईसी है, तो इसमें जो अगर 4 पिन आपस में बीप करता है या उससे ज़्यादा बीप करता है, तो आईसी को हम मान के चलते हैं कि ये शॉर्टिंग है, ये खराब है, ठीक है। तो ऐसा हम इसको कंफर्म करें, अभी इसको हम प्रैक्टिकली हम चेक करेंगे। फिलहाल शॉर्टिंग के कंडीशन में बताया कि अगर आईसी 50% से ज़्यादा बीप करता है तो आईसी वो क्या है, शॉर्ट है। दूसरे कंडीशन लीकेज। लीकेज कंडीशन में क्या है कि अगर आईसी डैमेज है या आईसी अगर फूल गया है या लीकेज हो गया है या फट गया है या जल गया है, तो उस कंडीशन में भी देख के हम उसको क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं आईसी सही है या खराब है। जैसे कि हमारे लैपटॉप का बोर्ड है, इसमें ये आईसी दिख रहा है, तो इसमें क्या है कि ये दिखने से ही पता चल जाएगा। अगर लीकेज कंडीशन होगा तो ये क्या हो जाता है, जल जाता है या फट जाता है या लीकेज हो जाता है। तो इस कंडीशन में आप देख सकते हैं कि ये आईसी है, इसको हम गौर से देख के कंफर्म कर सकते हैं कि आईसी सही है या खराब है लीकेज कंडीशन में। ये डेस्कटॉप का बोर्ड है, इसमें भी ये चिप है, ये आईसी है, इसको भी हम देख के कंफर्म कर सकते हैं कि आईसी सही है या खराब है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो लीकेज कंडीशन हम देख के क्लियर कर सकते हैं। तीसरी कंडीशन है हीटिंग कंडीशन। हीटिंग कंडीशन मतलब कि जब भी हम बोर्ड को ऑन करते हैं और ऑन करने के बाद आईसी के ऊपर या चिप के ऊपर हम फिंगर रखेंगे, जैसे ये चिप है, अब इसको आईसी है, इसको हम सप्लाई लगा के इसको ऑन करेंगे, ऑन करने के बाद इस पर हम फिंगर रखेंगे या थम्स रखेंगे। अगर रखने के बाद 10 सेकेंड यहाँ वेट नहीं किया जा रहा है, इतने ज़्यादा हीट हो रहा है कि हम यहाँ यहाँ से हमें हाथ को हटाना पड़ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आईसी ये डैमेज है, ये खराब है, ठीक है। तो हीटिंग कंडीशन में कोई भी चिप हो या आईसी हो, उसको हम क्या करेंगे, उस पर फिंगर या थम्स रख के चेक करेंगे। अगर यहाँ पे 10 सेकेंड नहीं रखा जाता है तो ये क्या है कि आईसी हमारा डैमेज है, कोई भी आईसी हो या कंपोनेंट हो, तो इसको हम हीट के लिए चेक करेंगे। तो ये कैसे होगा, ये ऑन बोर्ड में होगा। दूसरी कंडीशन, चौथी कंडीशन, इनपुट एंड आउटपुट कंडीशन। ये क्या होता है, इसमें आप देख सकते हैं हमने एक सर्किट बनाया है, इसमें क्या है कि एक आईसी लगा हुआ है यहाँ पे, और आईसी जो है वो मॉस्फेट, यहाँ पे मेन मॉस्फेट, सपोर्टिंग मॉस्फेट लगा है। तो आईसी जो है वो यहाँ पे आउटपुट सिग्नल जो है वो पास कर रहा है। तो यह आईसी तभी आउटपुट सिग्नल आउट करेगा जब आईसी ऑन होगा। तो आईसी को ऑन होने के लिए जो इनपुट सप्लाई चाहिए वो कहाँ से मिल रहा है, ये फ्रॉम एसएमपीएस का हमने एक सर्किट बनाया है। एसएमपीएस जो वीआरएम सेक्शन होता है डेस्कटॉप बोर्ड के अंदर, इसमें जो होता है यहाँ पे ये 4 पिन का कनेक्टर लगा हुआ है, ये मॉस्फेट लगे हुए हैं, ये आईसी लगी हुई है। तो इस आईसी के बारे में उन्होंने बताया कि इसको हम कैसे कन्फर्म करेंगे ऑन बोर्ड में कि आईसी सही है या खराब है।
तो यहाँ से इस आईसी को जो ऑन होने के लिए जो सप्लाई चाहिए वो 12 वोल्ट की सप्लाई चाहिए, जो एक रजिस्टर के थ्रू इसको सप्लाई मिल रहा है, इसको बोलते हैं हम इनपुट सप्लाई। यहाँ से 12 वोल्ट की सप्लाई इसको मिल गया, इनपुट मिल गया। इनपुट मिलने के बाद ये जो आईसी है वो सिग्नल आउट करेगा गेट को एनेबल करने के लिए, मॉस्फेट के गेट को एनेबल करने के लिए सिग्नल आउट करेगा। वो सिग्नल जो होगा वो 1 से 3.3 के बीच में, यहाँ पे भी आउट करेगा 1 से 3.3 के बीच में। अगर आईसी पे इनपुट सप्लाई आ रहा है और आउटपुट सप्लाई आउट नहीं हो रहा है, जो गेट को एनेबल के लिए सिग्नल मिलेगा, तो अगर गेट को एनेबल के लिए सिग्नल नहीं आउट कर रहा है तो आईसी डैमेज है, आईसी खराब है, आईसी को रिप्लेस करेंगे। ये भी हो सकता है कि आउटपुट में ये जो कंपोनेंट खराब भी हो सकते हैं, इसको भी हम चेक कर लेंगे। अगर ये भी आईसी कंपोनेंट जो है वो अगर सही है तो ये प्रॉब्लम जो है वो आईसी की है, आईसी को हम चेंज करेंगे। अगर आईसी पे इनपुट नहीं आएगा तो आउटपुट भी आउट नहीं करेगा, तो आईसी तभी डैमेज होगा जब इनपुट आ रहा है और आउटपुट आउट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम आईसी को कंफर्म कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि आईसी सही है या खराब है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम शॉर्टिंग कंडीशन चेक कर लेते हैं जो हमारा बोर्ड में लगा हुआ है। तो इसमें देख सकते हैं कि बहुत सारा आईसी है, जैसे ये आईसी लगा हुआ है यहाँ पे, तो इसको हम क्या करेंगे, मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पॉइंट पर रखेंगे, कंटिन्यूटी पॉइंट पे। और कंटिन्यूटी पॉइंट पर रखने के बाद इसको चेक करेंगे, तो ये जो है बीप नहीं करना चाहिए, 50% से ज़्यादा पिन आपस में बीप नहीं करना चाहिए। यहाँ पर हम देख सकते हैं हमने बाहर कुछ आईसी को निकाल रखा है, तो उसको भी हम चेक करेंगे यहाँ पे। तो ये आईसी है, तो इसको हम कैसे चेक करेंगे, इसमें जो पिन है इसको हम चेक करते हैं, इसको ऐसे चेक करते हैं। मल्टीमीटर में बीप नहीं आना चाहिए, या ऐसे भी पकड़ के चेक कर सकते हैं हम। इसको ऐसे पकड़ लिया और इसको ऐसे चेक करेंगे, देखिए कोई भी पिन बीप नहीं कर रहा है। अब ऐसा नहीं कि अगर बीप नहीं कर रहा है तो आईसी सही है, लीकेज भी हो सकता है, हीटिंग भी हो सकता है। तो अगर शॉर्टिंग नहीं है तो हमारा पहला कंडीशन ये कन्फर्म हुआ कि आईसी शॉर्टिंग नहीं है, लीकेज हो सकता है। अगर शॉर्टिंग है तो आईसी क्या है, खराब है। अब ऐसे ये दूसरा आईसी है, इसको अगर चेक करना है तो इसको भी हम ऐसे रख के पिन और ऐसे आपस में ऐसे चेक कर सकते हैं, ऐसे ही आपस में बीप नहीं आना चाहिए। अगर ये बीप का आएगा मोस्टली 50% से ज्यादा पिन, तो आईसी क्या है, वो खराब है। ये देखिए एक दो पिन बीप आ रहा है, ऐसे दूसरे जगह भी रख के हम ऐसे चेक कर सकते हैं, 50% से ज्यादा पिन आपस में बीप नहीं आना चाहिए, तो आईसी क्या है, ये सही है। ठीक है, मतलब शॉर्टिंग नहीं है, लीकेज हो सकता है, ओपन हो सकता है, इस कंडीशन में हम चेक कर सकते हैं। दूसरा भी हमने कंडीशन बताया कि इसकी लीकेज कंडीशन, तो लीकेज कंडीशन जो है आईसी को हम देख के भी क्लियर कर सकते हैं कि आईसी डैमेज है या नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ये आईसी है ये डैमेज है, ये लीकेज कंडीशन है, ये आईसी जो है वो लीकेज कंडीशन में। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आईसी ये जो है बिल्कुल फटा हुआ है, तो ये आईसी क्या है, ये खराब है, डैमेज है। तो ऐसे ही देख सकते हैं इस आईसी में भी है, इसमें ये देखिए आप ऊपर से यहाँ पे फटा हुआ है, मतलब ये लीकेज हो गया है आईसी, ये लीकेज हो गया है। तो इस कंडीशन में भी हम देख के आईसी को कंफर्म कर सकते हैं कि आईसी सही है खराब है, यहाँ पे तो ये फट गया है। ठीक है, तो ये देख के हम दूसरे कंडीशन लीकेज का पता लगा सकते हैं। हीटिंग का कंडीशन हमने बताया कि हीटिंग का कंडीशन आईसी को हम बोर्ड को ऑन करके और आईसी पे हम फिंगर रख के देखेंगे, अगर फिंगर यहाँ 10 सेकेंड तक नहीं रखा जाता कोई भी आईसी हो, तो इसका मतलब है कि वो आईसी डैमेज है, वो आईसी खराब है। उससे पहले आईसी को चेंज करने से पहले उसके नियर बाई एक बार कंपोनेंट को कंफर्म कर लेंगे कि कंपोनेंट हमारा वो सही है या खराब है। ठीक है, अगर कंपोनेंट सही है तो आईसी को हम रिप्लेस करेंगे। और जो है चौथा हमने कंडीशन अभी हमने बताया कि चौथा कंडीशन ये होता है कि आप जिस सर्किट में आप चेक कर रहे हो आईसी, तो उस सर्किट के बारे में आपको इनपुट और आउटपुट सप्लाई पता होना चाहिए कि इनपुट सप्लाई क्या होता है, आउटपुट सप्लाई क्या होता है आईसी के बारे में। अगर आईसी के इनपुट और आउटपुट सप्लाई आपको पता है तभी आप आईसी को ऑन बोर्ड में ये कंफर्म कर सकते हो कि आईसी सही है खराब है। आईसी के पहले हम इनपुट सप्लाई चेक करेंगे, अगर आईसी के इनपुट आ रहा है और आउटपुट आउट नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है ये आईसी ये डैमेज है, इसको रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो ये चार कंडीशन है, शॉर्टिंग, लीकेज, हीटिंग और इनपुट आउटपुट कंडीशन। ये चारों कंडीशन हम चेक करके ये कन्फर्म कर सकते हैं कि आईसी हमारा सही है या खराब है। ठीक है, तो ये तरीके हैं जिससे हम ये कंफर्म कर सकते हैं कि आईसी सही है खराब है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।